अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोहनगरी जमशेदपुर की बिटिया नंदिता, जिसके हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची है कि जीवन की सभी बाधाओं को पार कर अपनी मेहनत से स्वर्ण पदक हासिल किया। जन्म के बाद मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया तो पिता ने बेटी को अनाथालय की चौखट पर छोड़ दिया था। जी तोड़ मेहनत और लगन की बदौलत अब बिटिया कहलाती है स्वर्ण परी। बचपन से ही साइकिल चलाने की शौकीन नंदिता की मानसिक स्थिति आम बच्चों की तरह नहीं थी। अनाथालय में पढ़ने वाली नंदिता को सीमा नाम की महिला का साथ मिला, जिसे इसने माँ मान लिया और उनके साथ ही रहने लगी। साइकिल चलाने के जज्बे को देखकर उसके गुरु अवतार सिंह ने नंदिता को साइकिल चलाना सिखाना शुरू कर दिया। नंदिता की लगन और मेहनत देखकर सभी स्तब्ध रह जाते थे। अवतार सिंह ने मुझे ट्रेनिंग करवाते थे, डेली शाम को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। साल में मुझे बोर लगा, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार पाई। अगर मान ले तो हार है और अगर ठान ले तो जीत, यही कहना है नंदिता के प्रशिक्षक अवतार सिंह का। इंटेलेक्चुअली चैलेंज है उनके, उनको सिखाने में और धर्मों को सिखाने में बहुत ज्यादा फर्क है। इनको रोड पर ले जाना ही एक रिस्क होता है, रिस्कफुल होता है। इनको ब्रेक सेंस नहीं होता, कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ रुकना है, किस तरफ मोड़ना है, उसका इनको ज्ञान नहीं होता, जजमेंट नहीं होती और काफ़ी इन ये गिरते पड़ते हैं। लेकिन वही जो जो मान ले तो हार, ठान ले तो जीत, वो चीज़ लेकर एक स्पोर्ट्समैन चलता है। क्योंकि मेरा भी स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है तो हमने ठान लिया था कि इसको कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। और इसने भरपूर साथ दिया, बड़ी मेहनती लड़की है और घबराती नहीं है। नंदिता एक हुनर की नहीं बल्कि कई हुनर की बादशाह है। हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए। स्वर्ण परी नंदिता का जुनून और उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि उसने एथेंस स्पेशल ओलंपिक में 500 मीटर साइकिल रेस में स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं स्पेशल ओलंपिक में 1 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीता और फिर चल पड़ा नंदिता का स्वर्णिम सफर। साल 2013 में नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में भी नंदिता तीसरा स्थान पा चुकी हैं। लोह नगरी की ये गोल्डन गर्ल नंदिता अपने नए आयाम गढ़ने में लगी हुई है। स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद नंदिता ने ये साबित कर दिखाया कि यदि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो शारीरिक और मानसिक बाधाएं भी आड़े नहीं आती। ऐसे में नंदिता के जज्बे को न्यूज की टीम सलाम करती है। जमशेदपुर से न्यूज के लिए इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।